हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस और सोल्ट्स के नए टॉपिक की, ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर द एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट इन अ वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से इनका जो इफेक्ट होता है, कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से बेस होते हैं, इनका क्या पीएच होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ठीक है, जिससे कोई भी आपका कंसेप्ट जो है मिस ना हो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ पर अपना क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। हाउ स्ट्रॉन्ग आर द एसिड और बेस सॉल्यूशंस। सो वी नो दैट हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, ठीक है। हम इंडिकेटर के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं लास्ट की वीडियो में। तो वी हैव ऑल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ एच एंड ओ एच प्लस आयन्स इन अ सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए जो एसिड होता है उसके अंदर एच प्लस आयन्स होते हैं, ठीक है, और जो बेस होता है उसके अंदर ओ एच नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये होती है एसिड और बेस की पहचान। सो कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन्स प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज। तो किस तरह से पता लगेगा कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज जो एसिड होता है उसके अंदर एच प्लस आयन्स होते हैं और बेस होता है उसके अंदर ओ एच नेगेटिव। तो हमें उसे काउंट किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम जज करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आगे। We can do this by making the use of a universal indicator, which is a mixture of several indicators. तो universal indicator का use करेंगे जो कि बहुत सारे indicators का mixture होता है। The universal indicator shows different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution. ठीक है, अब universal indicator ये बताता है कि क्या कंसंट्रेशन, मतलब कितना अमाउंट जो हाइड्रोजन आयन का प्रेजेंट एक सॉल्यूशन में, ठीक है, और क्या जो है ओएच नेगेटिव आयन्स मीन्स बेस के लिए कितने आयन्स उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेट बताता है। और नेक्स्ट है अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड द पीएच स्केल दैट हैज बीन डेवलप्ड। तो पीएच स्केल क्या होता है, जिससे हम मेजर करते हैं एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को, उनकी वैल्यू को। तो यहाँ पर पढ़ते हैं पीएच के बारे में। द पी इन द पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन मीन्स पावर, ठीक है। तो उसकी कितनी पावर है, मतलब कितना नंबर है उसका, ठीक है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14। तो अब पीएच स्केल की जो रेंज होती है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रेंज ऑफ पीएच स्केल, ओके, तो वो होती है 0 से लेकर 14 तक। अब जो यहाँ पर 0 का मतलब क्या है कि वो वेरी एसिडिक मीन्स स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। और बेस का मतलब है कि वेरी एल्कलाइन, वेरी बेसिक बोल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। सो ऑन अ पीएच स्केल वी हैव मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर हमें नंबर पता है तो हम बता सकते हैं कि वो एसिड होगा या फिर बेस होगा। हायर द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। तो आपको ध्यान रखना है जितना पीएच वैल्यू कम होगी उतना वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है। तो द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जाता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, 7। तो वैल्यूज लेस देन 7 ऑन अ पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि 7 से जितनी भी वैल्यू लेस होगी, लेस देन 7, तो वो सारे एसिड होंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं यहाँ। एज अ पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन द ओ एच नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन, ठीक है। जैसे जैसे पी एच की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी इट मीन्स वो बेसिक सोल्यूशन होगा, दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली मीन्स बेस। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग पी एच। वन सच पेपर इज शोन इन द फिगर 2.6। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है कि किस तरह से जो है हम पी एच स्केल पे एसिड और बेस की कंसेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ही अभी कि 7 जो होती है वो कंसेंट्रेशन किसकी होती है, पावर किसकी होती है, न्यूट्रल सोल्यूशन की। तो उससे पहले मतलब कि 0 से 7 की रेंज में सारे क्या होंगे,
एसिड, मींस जिसके अंदर एच प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। अब 7 to 14 जो भी होगा उसके अंदर क्या होगा, OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, मींस बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है और राइट हैंड साइड में बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर कंसेंट्रेशन आप देख सकते हैं एच प्लस की ज्यादा है, बिकॉज यहां पर पूरा ब्लू आपको दिख रहा है और यहां पर आकर जो है एच प्लस की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, उसी तरह से बेस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो अगर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट साइड में, इट मींस यहां पर एच प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, और उसी तरह से राइट साइड में बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी और OH की इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस। तो इस स्केल से हम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं कि किसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। अब यहां पर हम नेक्स्ट एक्टिविटी 2.1 पढ़ते हैं और उसकी टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो एक्टिविटी 2.1 देखते हैं, इसमें क्या गिवन है हमें, टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2। ठीक है, यहाँ पर अब हमें देखना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमें जो है गिवन है एक पीएच टाइप का स्केल एक दे रखा है और उसमें इनके कलर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है लिखना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो दे रखा है सलाइवा मीन्स बिफोर मील, तो कलर ऑफ पीएच पेपर क्या होगा उसका वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर होगा उसका कलर ग्रीन। ठीक है, और जो इसका पीएच होगा वो आप लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर गिवन है कलर बताइए, तो यहाँ पर कलर लिखना होगा ग्रीन, और जो अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू जो है वो ग्रीन की आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन की आप वैल्यू देख रहे हैं कितनी लिखी हुई है यहाँ पर, 7.4। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब लिख देनी है 7.4। अब इसका नेचर बताना है, तो मैंने आपको रेंज बताई थी कि 0 से लेकर 14 तक होती है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो 0 to 7 वाले एसिडिक होते हैं और 7 to 14 वाले बेसिक होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 7.4 मींस अभी बेस की स्टार्ट हो रहा है, तो बेस स्टार्ट हो रहा है तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, वीकली एल्केलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वीकली बेसिक लिख सकते हैं, वीकली एल्केलाइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नेचर जो होगा वो आपको बेसिकली ये बताना है कि ये होगा बेसिक, बस इतना भी लिख सकते हैं। तो सलाइवा आफ्टर मील, तो अब ये क्या है, सलाइवा आफ्टर मील में हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि हमने क्या चीज़ खाई है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द फूड ईटन। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द फूड ईटन। सो नेक्स्ट इज लेमन जूस। अब लेमन जूस का जो है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कलर ऑफ पीएच पेपर इज यहाँ पर आ जाएगा पिंक। ओके, तो इसका जो पीएच होता है वो होता है 2.5, और आपको पता ही है लेमन जूस जो है वो एसिडिक में काउंट होता है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। और वैसे भी आप 2.5 के अकॉर्डिंग जो है आप बता सकते हैं कि वो किस में लाई करता है, एसिडिक में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेमन जूस, ठीक है, अबाउट 2.2, बट एग्जैक्ट जो होता है वो 2.5 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक। तो कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक में जो कलर हो जाएगा वो येल्लो या ग्रीन हो सकता है। ठीक है, येल्लो ग्रीन। अब बात आती है यहाँ पर इसकी पीएच वैल्यू की, तो यहाँ पर जो पीएच की रेंज है वो 5.0 से 6.0 होती है। ठीक है, अब वो रेंज भी क्या होती है, एसिडिक की, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एसिडिक। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ से भी इसको मैच कर सकते हैं इन चीज़ों को, इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो कलर आपको अगर मतलब पीएच पता है तो आप यहाँ से कलर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरेट जूस। अब कैरेट जूस भी यहाँ पर कलर आ जाएगा पीएच पेपर का येल्लो और ग्रीन। ठीक है, और जो इसकी पीएच वैल्यू होगी वो सेम होगी इसकी तरह ही, 5.0 to 6.0, और नेचर इज एसिडिक। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉफ़ी। अब कॉफ़ी जो है वो यहाँ पर कलर ऑफ पीएच पेपर तो हो जाएगा येलो, और यहाँ पीएच की जो वैल्यू है वो होती है 5.0, मींस वो भी एसिडिक ही काउंट होती है। सो नेक्स्ट इज टमाटो जूस। अब टमाटो जूस भी आपको पता ही है वो थोड़ा खट्टा होता है, तो जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसके वो एसिडिक में ही काउंट होती है, तो नेचर आप लिख सकते हैं यहाँ पर एसिडिक, और जो इसका कलर हो जाएगा वो होगा ऑरेंज। ठीक है, और इसकी पीएच रेंज जो होगी, पीएच की वैल्यू वो होती है अप्रॉक्स 4.1,
नेक्स्ट इज टैप वाटर। अब टैप वाटर जो होता है उसका कलर जो है वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो ग्रीन शेड आपको दिख रही है तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रीन, ओके। और इसकी पीएच वैल्यू वो होती है, वैसे तो 7 आपको पता ही है, बट जो रेंज होती है वो 6.5 से लेकर 8.5 तक होती है, और आप 7.0 भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं ध्यान है तो, इसको आप न्यूट्रल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बेस NaOH, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसे हम NaOH ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसका कलर यहाँ पर देख पा रहे हैं कौन सा कलर है, पर्पल शेड है, डार्क इसकी थोड़ी सी, ठीक है, तो यहाँ ब्लू दिख रही है बट ये पर्पल होती है, थोड़ा सा डार्क है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा पर्पल। और इसी तरह से इसकी रेंज जो है वो आप लास्ट में देख सकते हैं 14 पीएच है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14.0। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यहाँ आपको लिखना है स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्गली बेसिक, तो इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। एंड द लास्ट वन इज 1mHCl, तो इसका मतलब क्या है, पीएच मतलब 1m, ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, और ये HCl एसिड है तो इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 0.0। एंड कलर तो आपको पता ही, इसका कलरलेस ही होता है तो यहाँ पर आप कलरलेस भी लिख सकते हैं, और इसकी रेंज यहाँ पर लिख सकते हैं 0.0 पीएच की वैल्यू, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है, ठीक है, बिकॉज आप रेंज चेक कर सकते हैं, जीरो वाला बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं, ये हमने देख लिया, यहाँ पर इसकी टेबल को फिल किया, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एच प्लस आयंस एंड ओ एच नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड। अब जो इसकी बेसिकली स्ट्रेंथ पता लगती है कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा कम, मतलब वीक है, वीक एसिड है या फिर वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस है, वो उसके आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। आयंस कौन से होते हैं, एच प्लस और ओ एच नेगेटिव आयंस। सो इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कंसेंट्रेशन से 1 मोलर, मीन्स क्वांटिटी बता रहे हैं, अगर हम एच सी एल या फिर एसिडिक एसिड जिसे आप बोलते हैं सी एच थ्री सी ओ ओ एच, इनमें से मतलब दोनों की कंसेंट्रेशन सेम लेते हैं, बट यहाँ पे जो एसिडिक एसिड एसिड है वो वीक एसिड होता है, ये वीक है, ठीक है, और ये स्ट्रोंग है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम दोनों की क्वांटिटी 1m ले, मतलब 1 मोलर ले, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ऑब्वियस ही बात है कि जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसके ज़्यादा एच प्लस आयंस होंगे, तो एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर एच प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो यहाँ पर HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड जिसके लेस नंबर ऑफ एच प्लस आयंस होंगे दैट आर सेड टू बी वीक एसिड्स। तो यहाँ पर एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड। सो आगे देखते हैं, कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा। वीक बेस वो बेस होगा जिसमें ओ एच नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन लेस होएगी, ठीक है, डिक्रीजेस, और स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे जिसमें ओ एच नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन मोर होगी, ठीक है। तो अब हमें इस वीडियो से पता लगा है कि पीएच स्केल के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा जो है एसिड वीक होगा और कौन सा एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, और बेसिस के बारे में बता सकते हैं अगर हमें रेंज पता लग चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।